तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दूसरा दिन है हैंडओवर में। उससे पहले मैंने सोचा कि आज के दिन ना एहसन भाई से थोड़े उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। अभी वो नहा रहे हैं, आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे से नहा रहे हैं। उन्हें मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहा के कहते नहीं नहाना है। मैं मुंह भी नहीं धोया, वो मुंह धोए बगैर ही तो बैठे हो कैमरे के आगे। टाइम शॉर्ट है, क्या करूँ, शाम की बस है, लेनी है, जाना है। दोबारा अगेन हमारे आज के गेस्ट के साथ सैन चैट, जिनका नाम है एहसन यूसुफ। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नहाने से भी फर्क नहीं पड़ा वैसे। तो एहसन भाई का सीन ये है कि ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जॉब भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एहसन भाई को बिठाते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, क्योंकि जॉब करते हुए मेरे ख्याल है आपको साल हो गया, एक साल अराउंड। इन फील्ड से रिलेटेड जो लोग वहाँ पे बैठे, आपको आईटी के बैठे लोग सुन रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे, यहाँ पे किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे आके किस तरह आप एक्सेल कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ आईटी गाय। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था, बैचलर, एंड आई डिड माय मास्टर्स इन आईटी। जस्ट 2 साल का आईटी एक्सपीरियंस था, दैट्स व्हाई आई फेस अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू फाइंड अ जॉब। एग्जैक्टली। सो मुझे सून, आई डिडंट फाइंड द जॉब सून आफ्टर माय मास्टर प्रोग्राम, बट 1.5 ईयर मतलब एक अच्छा खासा पीरियड था जिसमें मैंने स्ट्रगल की टू फाइंड अ जॉब, परफेक्ट जॉब। 1.5 ईयर काइंड ऑफ। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी मास्टर्स के बाद ही आपको 18 महीने की वीजा एक्सटेंशन देते हैं, उस वीजा एक्सटेंशन को कहते हैं आपका जॉब सर्च वीजा। एग्जैक्टली। तो इस दौरान आपने 18 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होती अपनी फील्ड से रिलेटेड। अगर आपको फील्ड से रिलेटेड गालबन जॉब मिल जाती है तो आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। आई थिंक 2 साल की या 1 साल की आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो एक्सटेंशन देते हैं। और वहां पे जब आपके 2 साल खत्म हो जाते हैं जॉब करते हुए, तो आप यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद आप कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस करते हो जब आपकी जॉब होती है, एवरेज यहाँ पे सैलरी आपकी फील्ड से रिलेटेड में पूछो? लाइक आईटी फील्ड में इट ऑब्वियसली स्टार्ट 40 से अबव स्टार्ट होती है। ठीक है, 40 से अबव, या 40,000 पर ईयर, अबव पे स्टार्ट होती है, बट डिफर कंपनी टू कंपनी और यू नो कॉन्ट्रैक्ट वाइज। क्योंकि मुझे याद है कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है 38 से, ठीक है, और लेकिन कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है 48 से। सो लाइक यू नो 40 के बाद से मार्जिन आपका स्टार्ट हो जाता है, अगर हम इस फील्ड की बात करें, बट इट इंक्रीज ग्रेजुअली टाइम टू टाइम। सही हो गया। एक सवाल ये कि आईटी में अक्सर ये जो दूसरी फील्ड के लोग होते हैं या जो लोग आईटी परस्यू करते हैं, उन्हें लगता है कि जर्मन लैंग्वेज जर्मनी में रहते हो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें आईटी की जॉब्स बिना जर्मन के मिल जाती हैं। अब किस हद तक ये बात ठीक है कि आपको जॉब्स मिल जाएंगी और जर्मन सीखने का आपको एडवांटेज है इन अ लॉन्ग रन, कि अगर आपने जर्मनी सेटल होना है, या फिर आप बिना जर्मन सीखे भी गुजारा कर सकते हो आईटी फील्ड में? I would say it not must, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, IT guys जो वहाँ पे देख रहे हैं, it not must but it's a priority obviously, yeah, तो अभी तक फिलहाल मुझे इतना मसला तो नहीं हुआ, but मैं feel करता हूँ I need to do that German course ताकि मैं जो भी problems आ रही हूँ उसे cope up कर सकूँ, ठीक है, so I think German course or German language play a very enormous role. कहीं पे भी आप job कर रहे हो, it's not about the IT or not IT. So like it must. I would rather say it must. तो मेरे हिसाब से जो मेरा experience काफी लोगों से बात करके हुए रहा है कि IT की field वालों से कि उन्हें job तो मिल जाती है अक्सर बिना language के भी, लेकिन जब उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल करना होता है ना, लाइक ऊपर वाले स्टेजेस पे जाना होता है, मैनेजिंग रोल निभाने होते हैं या थोड़ी तरक्की करनी होती है, तो वहां पे आपका टीम कोऑपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां पे आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दूसरों के साथ डील कैसे करते हैं, और जब भी डीलिंग की बात आती है, मीटिंग्स की बात आती है, इन सब चीजों की बात आती है, वहां जर्मन आपकी कुछ हद तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि प्रॉब्लम इफ यू आर लाइक प्योर डेवलपर, ठीक है, आपका लैंग्वेज से चलो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लाइक वंस यू आर इन द मीटिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है, और यू नो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की स्विचिंग हो रही होती है। इट नॉट लाइक कि मीटिंग में इंग्लिश में ही बात करें, नहीं, वो जर्मन में आते हैं और फिर वो कुछ
कुछ टाइम के बाद रियलाइज करते हैं और सॉरी असन लाइक वी शुड स्पीक इंग्लिश लाइक वहां पे बेइज्जती वाला मुकाम होता है ठीक है क्यों ना हमें जर्मन आती हो तो यू कैन कैरी ऑन इन डच तो लाइक वो फिर कॉन्फिडेंस लेवल होता है लाइक कैफेटेरिया में जब लंच टाइम होता है वेयर आई यूजुअली फील के यार ये क्या हो रहा है क्योंकि कैफेटेरिया में फिर वो जर्मन में साड़ हो जाते हैं ठीक है वो फिर दे डजंट केयर कि हमें इंग्लिश में बात करनी है कि नहीं करनी है फला बंदे को समझ आ रही नहीं आ रही तो इट्स लाइक फॉर योर सेल्फ नॉट टू फॉर लाइक जॉब के लिए या रिक्वायरमेंट है कि नहीं है यार अपने लिए जर्मन कर लो सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के लिए टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड तो आपने इंटीग्रेट होना है ना तो बगैर जर्मन के विदाउट जर्मन के आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते और आपकी लाइफ में काम के अलावा आपकी सोशल लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है